नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस आउ किछ समय परे उज्ज्वला योजना 2.0 को शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री। स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संयोग प्रदान लक्ष्य। उत्तर प्रदेश महोबारे पीएम को वर्चुअल लॉन्च। हिताधिकारी को सह आलोचना करिवे मोदी। झारसुगुड़ा सोडामाल जमी केलेंकारी महंगा पड़ा। स्वास्थ्यमंत्री पुओ को अनुकंपा मिछ रिपोर्ट दे समाज सिंहा आरआई निलंबित। एवं प्रश्न नवदास को पुओ विशाल को विरोध में हेब तो कार्यानुष्ठान। रक्त पछे देबु पानी देबुनि जोर धरला खरस्रोता बचा अभियान। केन्द्रापड़ार तीन पंचायत 144 धारा सुरक्षा दृष्टि 30 प्लाटून फोर्स मुतयन। आसंता 12 तारिखु युक्त 2 नामलेखा प्रक्रिया सांस पोर्टाले आवेदन करें छात्र छात्री। 54,900 को वृद्धि पाइला प्लस 2 सीट संख्या। पूर्णांग पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन दावी। राजभवन आगे बीजेपी धारणा। विकास परिषदर मुख्यालय को पश्चिम ओडिशा स्थानांतर और परिषदर पांठि को वृद्धि दावी कला दल। राज्य में पुणि हजारे पार दैनिक संक्रमण। 24 घंटे 1041 नुआ पॉजिटिव। खोर्धारु सर्वाधिक 383 कटकु 132 आक्रांत चिन्हट। एवं आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस रेड। पुरी जिला शिशु विकास अधिकारी ऑफिस किराणी घरे चढ़ाऊ। केन्दुझर जोड़ा ब्लॉक सर्वशिक्षा अभियान टेक्निकल कंसल्टेंट घरे रेड। आसवा संपूर्ण खबर को जोर धरला खरस्रोता बचा अभियान। बालकाटी भारीगदा बरुण ढिया पंचायत में जारी हो 144 धारा। 10 जन मजिस्ट्रेट उपस्थित थिबा बेले 30 प्लाटून फोर्स मुतयन करा। अभियान रे आली और राजकनिका ब्लॉक रो शताधिक महिला और पुरुष सामिल होती। सोमवार मशाल शोभायात्रा करते आंदोलनकारी। रक्त पछे देवु हेले पानी देवुना बोली अड़ी बसी सेठाकार आंदोलनकारी। सोमवार विलंबित राति रे मेगा पानीय जल प्रकल्प काम आरंभ होइतबारु आंदोलन को जोरदार करा जायछि। खरस्रोता नदी रे मेगा पानीय जल प्रकल्प निर्माण को नहीं मुहांमुही होइछंती जिला प्रशासन और खरस्रोता बचाओ संग्राम समिति। खरस्रोता नदी रे प्रकल्प निर्माण को विरोध करी गत 2 वर्ष होला खरस्रोता बचाओ संग्राम समिति पक्षरु आंदोलन चलिछि। कृषि कृषक और जैव विविधता को छारखार करी कोनोसी परिस्थिति रे भी खरस्रोता को बुंदाए पानी दिया जइबो नाही बोली समिति पक्षरु चेतावनी दिया जायछि। अधिक अपडेट पाई कि सीधा सड़क जीवा केन्द्रापड़ा सेठारे आम प्रतिनिधि प्रभात। अच्छा प्रभात, सेठारे वर्तमान स्थिति किभली रही आंदोलनकारी दाबी कौन रही एपर्यंत जिला प्रशासन सहित आलोचना है कि प्रभात? देखु जदि कह खरस्रोता नदी को नहीं वर्तमान स्थिति संगीन होगा जाए तेज आम बर्तमान से घटनास्थल अच्छू। जो घटनास्थल बर्तमान लोक मैंने उत्तेजित अच्छा अन्य पक्ष कह 30 प्लाटून पुलिस फोर्स समेत केन्द्रापड़ार जो रही एसडीपीओ रही राजीव लोचन पंडा और संध्याराणी बेहूरा समेत अनेक पुलिस मुतयन रही है। तेज गोटे बास्तव कथ कह पूर्वतन विधायक दोलगोविंद नायक कथ कह कि कंग्रेस विधायक जी अच्छा देवेन्द्रनाथ शर्मा गिरफ कराई संग्राम समितर सभापति सेक्रेटरी को गिरफ कराई अनेक निरीह लोक गिरफ कराई तेज आम सहित किसी लोक जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे जो आप कि पिला मैंने जो मैंने जोड़ी होते देखुं बापा को सीधा साल पुलिस उठे नहीं तुम बापा को पुलिस उठे नहीं माँ को उठे नहीं बापा ना आम ए कौन करम आम माँ को जब उठे नहींगले सी जब निज माँ को सी मानते बेईमानी कर माँ को मतलब कौन जान ना पुलिस वाला सरकार पुलिस वाला सब पैसा खाई आम फर्णाडे भद्रक पानी नहीं जावा छोट पिला हिसाब से कौन चिंता कर आम चाहे पानी न जावा तो आम सहित किसी मौसम जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कह अरे बाबा आम तो बुढ़ा नु यही खरस्रोता ना कि आम यही खरस्रोता ना कि आम जीवन यापन करूँ चाषवास आम दुनिया सब ये जब पा जाए आम आँचमु कमी तो निश्चित भाव में कह आप जो पूर्वतन दुई जन विधायक प्रतिवाद करते आपण जी विधायक अच्छा प्रताप केशर दो सी कौन जाणी ना सी जाणी से अजणा कमीर निद लगी कौन करवा
तो निश्चिंत भाव में आज प्रतिक्रिया रखुं कौन कहे बर्तमान वर्षा रही बर्षार स्थित रही मुख्यमंत्री मोदी जी मुझे अनुरोध करुच्ची ये जो समस्या है चाषी मान जी मंगल चाहते ये समस्या समाधान किसी करूँ मुझे मोर ये अनुरोध जो निरीह लोक मान चाषी मान जो आरेस्ट कर मोर ये अनुरोध जे ये चाषी मान आरेस्ट न कर किसी मंगल कामना चिंता करूँ बर्तमान वर्षा छाड़ जाए आम सीधा सड़क देखा चित्र ये चित्र रही जो अंचल चित्र आप देखुं बर्तमान बर्तमान साधारण जनता और पुलिस मुहांमुही अवस्था अच्छा तेज वर्षा मध्य छाड़ जाए तेज आप देखो जो ये जो रास्ता पूरा नाकाबंदी रही तो जो युवक मैंने गोटे प्रकार चिंता चित्कार करुँच देखुं चित्र रही युवक मैंने कारण बाप माँ को पुलिस उठे नहीं पक्षर कह पूर्वतन विधायक मानक पुलिस उठे नहीं देखुं कि भावे हो हल्लार स्थित रही आपन को आम सीधा सड़क ताजा चित्र देखा तेज तेज निश्चित निश्चित भाव महिला अधिक लोक अरेस्ट करा सरी बिना कौन अभियोग आमर एति आमर ये कि अभियोग कि आम यू पा देवाई चाहून किंतु सरकार यार उत्तर दायी रे कि क्यों अभियोग आम बाप माँ भौणी मानक अरेस्ट कर कौन अभियोग आते दुई दुई जन पूर्वतन विधायक आपन को समस्या प्रताप केशर देव आपल अच्छा कौन प्रति हस्तक्षेप आंसर मुझे देखा चाहूँगी आमर जो पूर्वतन बीजेपी और कांग्रेस विधायक थे सी आमको बहुत सपोर्ट करते ये भी करमें सी आरेस्ट हो जाती सहित आम ग्रामवासी एक हजार ऊर्ध ए आरेस्ट होमें भी आहरी सपोर्ट करूँ आम भी जीवाक राजी अच्छु सी आम बाप भाई दादी आम माँ मान को समस्त आरेस्ट कर आम क्या पाक रही आम भी जीव आम छोट भाई भौणी मैंने भी जी बर्तमान से भद्रक पा नहीं जावा सत्ते आमर बहुत विधायक प्रति कौन हस्तक्षेप बर्तमान विधायक बर्तमान विधायक को आम जो बहुमत जितई आम भूल सब्यस्त वर्तमान आम बहुत बड़ भूल आम बहुत मत जितई आम आउ जनईदबू नेक्स्ट निर्वाचन बेलू से जापारे कौ भाई जीति कौ भाई हारे प्रताप केशर देव जापे साधारण जनता प्रतिक्रिया आज जापे जो खरस्रोता नदी बंचा अभियान रही समस्ते कौन राजनैतिक दल ऊर्धर थी समस्त एकमत होती पानी भद्रक प्रभात कौन सेठिकार जनसाधारण कि भाव असंतोष रही स्पष्ट भाव देखा कि बड़ कथा स्थानीय प्रशासन एपर्त कौन प्रतिक्रिया दे प्रभात कि प्रतिक्रिया मिल पार्टी से कौन कहते जेहेतु अंचलवासी बड़ अभियोग करछंती खरस्रोता कुआडे जीव से नहीं कि आसुच अपडेट सीधासल चित्र देखुं ये बालकाटी भारीगदा बरुणाढ़िया पंचायत में 144 धारा जारी हाँपर कि भाव से स्थानीय अंचल बासी जन असंतोष देखा दूसरी चित्र देखे पुलिस बर्तमान कि देखुं पुलिस सजाग पणिया कौन रही ताजा चित्र मुझे देखा पुलिस मैंने साधारण जनता को घोड़े व्यस्त अच्छा तेज ये जो चित्र रही एस डी पीओ राजीव लोचन पंडा अच्छा संध्याराणी बेहरिया एस डी पीओ अच्छा स्थिति कौन रही देखुं ताजा चित्र ये जो रही देखुं जो जो रही सरस्वता नदी जो रही मुहाण से परिसर में बर्तमान पुलिस आलर्ट पणिया देखा मिली तेज कह सी सरकार गाइडलाइन मानुं तेज वास्तव क्षेत्र साधारण जनता स्वर जो उठू पुलिस निरीह लोक उठे नौ ये गोटे 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 स्थिति निश्चित भाव में कह तो ये विधायक जी अच्छा आलीर विधायक प्रताप देव मैं चुप बस आप देखुं पुनर्बार से पुलिस से जनता निश्चित भाव मुहांमुही रही चित्र रही चित्र को आप देखिपे कि भाव गोटे प्रकार नाराबाजी रही सरकार को
भर्सना कराऊँगी जे विधायक अच्छा आलीर प्रताप देव को भर्सना कराऊँगी ये चित्र को आप ताजा चित्र देखा तब निश्चित भाव में स्थित गोटे प्रकार संगीन होबार लगी तो निश्चित भाव कौन कह भाई देखु ये आमर गोटे खरस्रोता बचाओ समिति बोली अच्छी कि जोटा कि सरकार गत काली भी आम रास्ता रोक करूँ कि शांति श्रृंखलार सहित सरकार कहार की किसी नक राति अधिया कि प्रकल्प ये चली बर्तमान प्रकल्प करने पूर्व सरकार आम सुविधा किसी कर प्रोजेक्ट आम एवं लाभवान सरकारी बाबू मान हूँ सरकार निजे हूँ जो कंपानी मान को बर्तमान प्रताप देव बिक्री हो जाती आम बहुमत जितेलु सी बर्तमान बिक्री होगी राजमहल गढ़ले राजवाटी रे रंग दबापाई तांको पाखरे पैसा नथिला एबे से राजमहल गढ़ले केउठ आणिले राजवाटी रे रंग दबापाई तांको पाखरे टंकाटी नथिला राजमहल गढ़ुचंती का पैसा रे राजमहल गढ़ुची सही खरसता को भद्रग्र कंपनी मानु को बिकी दै जंती राजमहल प्रताप देव गढ़ुची जाई प्रताप देव हाय हाय स्थिति देखुं तर्जमा कर व्यक्ति प्रतिक्रिया ना गोटे कथा कहमी कौन शह चौराल जारी कौन मर्डर केस ना कौन आगो प्रशासन कौन शह चौराल जारी कर डा हिंगाम ये जो आम जो जतक विधायक भलमंद सब आरेस्ट कर कौन आरेस्ट कर प्रशासन पैतृक संपत्ति ये कर कौन पाई नहीं चीज़ है? कौन माने प्रमुख का दावी कौन रखूं चंदी माउस? आमरा प्र आमरा प्र प्र सुनो नहीं सुनो तू आमरा प्र मुला लक्ष्य हो जी ये पानी बहुत रही बो आमरा ये पानी भद्रक को जाई पारे बना आम खरा सोता कौन का गांव का कितने जनर व्यक्ति को जुबक को एवं जो वृद्ध लोगों के दिन उठाए दो हजार वो अधिक नहीं सारे लेनी आमर तो माँ भावनी की भी नहीं चंदी आउ जो आगुरु पंद्रह जन को नहीं ये बेतो बदे छह दो हजार पाखा पाखी नहीं चाहिए के चार हजार दुई हजार पाखापाखी आम तो गणु नौ मैंने आउं उठाऊँ नहीं जाऊँ मैंने पुलिस सहित जो कर हंगामा चली पुलिस सहित जो चली संघर्ष ए नहीं आप मैंने सरकार बुझे तो आप सरकार चोर पुलिस चोर कहीं आम जीवन जीविका को मारिकी बर्तन जो चांच प्रताप देव हूँ चोर कौच कहीं माँ को नुह जा कहती सृष्टि करू देखुं साधारण जनता किभली भाव साधारण जनता स्वर रही निश्चित भाव कहीपर ये जी सरकार कथा कह विधायक अच्छा प्रताप केशर देव कथा कह साधारण जनता को निश्चिंत बुझेबार आवश्यकता रही जिते कह सर्वदलिक बैठक करते प्रताप देव कौन पर चुप थे बर्तमान प्रताप देव कौन पर चुप रही जदि कह साधारण जनता गोटे प्रकार संगीन अभियोग आधारण जनता टकर राजवाटी कर निहाती भाव प्रभात आप अपडेट दौले कि भाव साधारण जनता मान असंतोष सामना को आसूँ लोक मैंने किभली भाव बड़ अभोग कर विधायक प्रताप देव विरोध में अभोग आणुंजे प्रकल्प करने कि अफिसर मैंने सामिल अच्छा प्रकल्प किभली न हो पार लोक सुविधा हे कि शहे चौरास धारा जारी कर शताधिक महिला पुरुष रास्ता को ओह्ल आंदोलन कर प्रभात लेंका थे केन्द्रापड़ जी अधिक अपडेट दौले कि भाव से जन असंतोष देखाई बुलेटिन आउ किसी खबर देखा किंतु समय ची एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत आज उज्ज्वला योजना 2.0 को शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश महोबा में प्रधानमंत्री वर्चुआल यार लॉन्च करते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी आलोचना करते उज्ज्वला योजनार प्रथम पर्यायर अंतर्भुक्त हो पार स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संजोग प्रदान करने को एथर लक्ष्य रखाई 2016 मसीह आरंभ होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन बीपीएल श्रेणीर 5 कोटी महिला एलपीजी संजोग देवाई लक्ष्य धार्य कर 2018 योजनार विस्तार कर एसटी एससी पीएमएवाई डबल एवाई पछुआ श्रेणी वनराशि द्वीपपुंज
ना विभक्त कर 8 कोटी एलपीजी संजोग प्रदान कर चलित आर्थिक वर्ष पर केन्द्र बजेट्रे उज्ज्वला योजना अधीन 1 कोटी अतिरिक्त एलपीजी संजोग व्यवस्था घोषणा कर सीधासलख महोबा जावा सेठार प्रधानमंत्री भर्चुआल रे चासी मानक सहित आलोचना मध्य करचोंती हिताधिकारी को मानक सहित आलोचना मध्य करचो काम ही कर लो तब बारिश में तो एकदम सुविधा हो गई आपको बहुत ज्यादा और हमारे जो एचपी गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी बहुत हेल्प करते हैं आपका स्वयं सहायता समूह है और आप खुद भी कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन का काम करती हैं। आपने इस योजना के बारे में आपके जो मंडल बना हुआ है सब महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसका लाभ बताया और उनको भी फायदा हुआ है क्या? जी जी बताया है सब अपना अपना कारोबार करती हैं जो है लेके करती हैं और अपना काम करके कोशिश करती हैं सर यही लॉकडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ आप नजरिया उनके ऊपर तो उनको गैस कनेक्शन मिल जो गया जो हमने कर्ज लिया है जी जी सबको मिल गया है वो हमारे साथ ही पा गए हैं सब लोग अभी जो मैं गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में पहुंचाता हूं वो भी मिला है क्या उन सबको लोगों को जी जी हर महीने मिल रहा है महीने में 2 बार मिल रहा है अच्छा बेटी कुछ कहना चाहेगी बेटी क्या पढ़ती हो इंटर में अच्छा खेल कूद में भाग लेती हो कि नहीं लेती हो क्या सर खेल कूद में हिस्सा लेती हो नहीं सर अभी नहीं लिए नहीं लिया मम्मी ली थी किरण जी ये जानकर संतोष हुआ कि आप लोगों को गैस कनेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई बल्कि आप में से बहुत से लोगों के घर पर आकर ये सुविधा दी गई है 2014 से पहले हमारे देश के गरीब को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे छोटी चीज के लिए भी उनको जाना पड़ता था हम इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी बहनों से बात करने से ये लगा कि अब इन कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ है जी हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जैसे हैं और पिता समान हैं जो भी हैं आपने हमारी मदद की हम गरीब महिलाओं की दर्द को समझाएं आप सब बहनों का आशीर्वाद बना रहे हमारा आशीर्वाद जिंदगी भर हमारी उम्र लग जाए आपको ऐसे ही आप बने रहें गोरखपुर के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ रही हैं सुनीता वैष्णव सुनीता जी नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम सुनीता जी बताइए कि आपको गैस कनेक्शन कब मिला और आपने अब तक कितने बार सिलेंडर भराए हैं सर मुझे सितंबर 2018 में मिला सर और महीने में कितनी बार और 2 महीने में 1 बार 3 महीने में 1 बार कैसा होता है सर मेरा 1.5 से 2 महीने चलता है सर सिलेंडर और रेगुलर मिल जाता है जब भराती हैं तो जी सर सुनीता जी आप सिलाई का भी काम करती हैं तो क्या गैस का कनेक्शन मिलने से आपको सिलाई के काम में अब अधिक समय मिल रहा है उसके कारण ज्यादा काम हो रहा है आपका जी सर बहुत मुझे बहुत आसानी हो गई है सिलेंडर मिलने से मैं अपना समय मिल जाता है मैं सिलाई भी कर लेती हूँ बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और अपने परिवार के लिए भी समय देती हूँ सुनाते जी आपको कोरोना के दौरान जो मुफ्त रिफिल मिले और ये भी बताइए कि इससे आपके परिवार को कितनी मदद मिली क्या मुफ्त मिल रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत आती थी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आती थी उससे मुझे बहुत आसानी 3 महीने हम लोगों को फ्री सिलेंडर मिला सर उससे बहुत सुनीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपको लॉकडाउन के दौरान कई फ्री रिफिल मिले हमारी कोशिश भी है कि संकट के इस समय में देश के गरीब को कोई दिक्कत ना हो चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो
जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो या फिर सिलेंडर का पैसा, हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सब बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे एजेंसी के सर स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब ने देखा कि कैसे कुम्हलाए चेहरे खिल गए, धुएं से भीगी हुई आंखों में अब आनंद, उत्साह और उमंग की चमक है, सपने हैं। और ये सब संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशील सोच, दृढ़ संकल्प शक्ति और सार्थक प्रयासों से। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के सुअवसर पर मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। अभी मुझे आप सब माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला और मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताओं बहनों के आशीर्वाद भी मिले। और ऐसे में देश के करोड़ों गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का अवसर मिला है। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोबा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं, मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम
लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है, खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है। बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है। पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को। शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार परेशानी हमारी माताओं बहनों को। स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को। हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी? जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? भाइयों और बहनों, 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई।
मोहबारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2.0 को शुभारंभ करिछंती। मोहबारे प्रधानमंत्री भर्चुआल अनेक हिताधिकारी सहित आलोचना मध्य करिछंती। पूर्वरु 2016 रु एही योजना आरंभ होइतला। 5 कोटी रु अधिक महिला एथिरे उपकृत मध्य होइछंती एवं आगुकु एही योजना अनेक महिला एवं भारतवासी को उपकृत करिवो बोली प्रधानमंत्री भर्चुआल रे निज बार्तारे कहिछंती। समय सरिछि, बुलेटिन को एठी रखिबा। नमस्कार।